नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अलग हट करके। आज हम जानेंगे कि जो शनि ग्रह हैं वह किस प्रकार से अपनी दृष्टियां रखते हैं, यानी कि शनि की जो दृष्टि है वह कैसी होती है, वह क्या काम करवाती है। अब शनि की अवस्था चाहे वक्री हो या उसकी अवस्था मार्गी हो या वह स्थिर अवस्था में हो, तो शनि जब देखता है तो वह किस प्रकार से देखता है। शनि को जैसा कहा गया है कि शनि क्या है कि उसे तीन प्रकार की दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी कि शनि का काम क्या है। पहले तो अनुशासन लाना, शनि का काम है नियंत्रण करना, शनि का काम है उसको अनुभव कराना, शनि का काम है काम कैसे होता है इसका पता चलना। तो शनि जहाँ धैर्य देता है, अनुशासन देता है, नियम देता है, संयम देता है और दृष्टि के माध्यम से, यानी कहते हैं कि बैठा तो मैं यहाँ हूँ पर मेरी नज़र वहाँ भी है, तो शनि के इसी प्रकार से तीन प्रकार की दृष्टियाँ प्राप्त हैं, यानी कि शनिदेव महाराज एक राशि में बैठेंगे और बैठने के बाद जो उनकी दृष्टिपात होगी वह तीन राशियों पर होगी। यानी कि जो पहली उनकी जो दृष्टि है वह तृतीय दृष्टि है, यानी कि थर्ड एस्पेक्ट जिसको कहते हैं। दूसरी जो दृष्टि है वह है सातवीं दृष्टि, यानी कि सेवेंथ एस्पेक्ट जिसको कहते हैं। और शनि की जो तीसरी एस्पेक्ट है वह दसवीं दृष्टि कहलाती है। इस प्रकार से शनि की जो दृष्टियाँ हैं वह तीन प्रकार की हो जाती हैं। एक तो हो जाता है कि वह तीसरे भाव को देख लेते हैं अपने स्थान से जहाँ भी बैठे हों, दूसरा अपने सामने वाले को देखते हैं और तीसरा अपने काम को देखते हैं, यानी कि दसवीं दृष्टि डालते हैं। जो तीसरी दृष्टि है वह क्या है कि शनि जिस राशि या भाव में बैठते हैं वहाँ से तीसरे स्थान पर, मान लीजिए इस समय पर कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो जो उनकी नज़र है वह कहाँ पर भी है, 11 से गिनिए 11 12 1 यानी कि मेष राशि पर उसकी तीसरी दृष्टि पड़ी हुई है। तो यानी कि मेष राशि को वह तीसरी दृष्टि से देख रहा है। और तीसरी दृष्टि का मतलब क्या है, यह दृष्टि शनि की गंभीरता दिखाती है, यहाँ पर अनुशासन को दर्शाती है। शनि की तीसरी दृष्टि वाला स्थान अनुशासन और मेहनत को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या है, शनि की जो ये दृष्टि है वहाँ पर नीचे प्रभाव डालती है, व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है लेकिन क्योंकि शनि की वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो कहते हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ। अब मेष राशि आपके जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में होगा वहाँ पर आपको यह कर्म करना पड़ेगा, यह काम पर ध्यान देना होगा। बात आती है सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं क्या है, बिल्कुल आमने सामने के शनि जिस राशि में बैठते हैं वहाँ से ठीक सामने वाली राशि में बैठते हैं, वहाँ पर उनका दृष्टि रहती है, वहाँ उनकी नज़र रहती है, उनका जो बिल्कुल बिल्कुल बराबरी से जो उनकी पकड़ होती है वह उस राशि पर होती है। जैसे वर्तमान में कुंभ राशि पे हैं शनिदेव, तो वहाँ से जो उनकी दृष्टि है वह सिंह राशि पे बराबर सातवीं वाली पड़ रही है, यानी कि बिल्कुल पार्टनरशिप पर इसमें पड़ती है, तो यह दृष्टि सीधी होती है। सातवीं दृष्टि संबंधों और साझेदारियों पर प्रभाव डालती है, यह दृष्टि किसी भी संबंध को गंभीर और स्थिर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें कष्ट और चुनौतियां भरपूर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि बिल्कुल बराबर से काम करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुंभ राशि पर शनि है तो सिंह राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मकर राशि पर शनि होते हैं तो कर्क राशि पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल ठीक सेवंथ एस्पेक्ट इस पर जाती और इस प्रकार से यह जो काम है इसमें चुनौतियों भरा होता है, साझेदारी को लेकर के जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से आप जहाँ पर देखेगा जिस भाव में, यानी कि सातवें भाव में, अपने स्थान से सातवें भाव में, तो वहाँ पर गंभीरता, वहाँ पर नियम चाहिए, वहाँ अनुशासन चाहिए, वहाँ धैर्य चाहिए, वहाँ पर धीरे धीरे लगातार काम करते रहना चाहिए, तो इस प्रकार की यह सातवीं दृष्टि होती है। दसवीं दृष्टि की अगर बात की जाए तो शनि की जो दसवीं दृष्टि होती है वह करियर का क्षेत्र है,
कामकाज का क्षेत्र, यानी कि कहाँ पे आपको काम करना है या कहाँ पे विस्तार करना है जिसके द्वारा आपका सामाजिक प्रतिष्ठा पे प्रभाव पड़ता है। तो यह जो दृष्टि है व्यक्ति के करियर को देखती है, कार्य क्षेत्र को देखती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को देखती है। इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति को बड़ी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अनुशासन में रहना पड़ता है और अनुशासन में आना ही पड़ता है क्योंकि तभी आपकी प्रतिष्ठा यहाँ पर जगमगाएगी। तो शनि की दृष्टियाँ जिन भावों पर पड़ती है उन पर शनि का गंभीर, स्थिर और अनुशासनपूर्ण प्रभाव रहता है क्योंकि शनि का काम है अनुशासन देना, शनि का काम है गंभीर रहना, शनि का काम है स्थिर रहना कि जो भी काम करना है एकदम पक्का एकदम करना है, कोई भी उसमें ढोल मोल चोल नहीं चल सकती है। तो यह जो प्रभाव है आपके कुंडली में जैसा शनि है, अगर शनि नीच अवस्था के हैं, किसी नकारात्मक प्रभाव में है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वे नकारात्मक मिलते हैं, और अगर सकारात्मक स्थिति में है तो इसी शनि के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरीके के परिणाम यहाँ पर मिलते हैं। तो शनि की स्थिति, राशि और उसका भाव भी यहाँ पर देखना पड़ता है तो क्या क्या कुछ देता है। अगर आप मेहनती हैं, आप धैर्यवान हैं, आप अनुशासन प्रिय हैं, आप नियम और संयम से काम करते हैं, आप लगातार काम करते हैं, किसी भी चुनौती के लिए आप तैयार रहते हैं तो शनि का आपको शुभ फल ही प्राप्त होते हैं क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपका कर्म है। अब जब यह सब कुछ होता है तो इन दृष्टियों में क्या होता है, कठिनाई और चुनौतियाँ भी आती हैं। शनि की दृष्टि वाले स्थानों में कुछ कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, कुछ चुनौतियाँ महसूस होती हैं जिसको पार करने के लिए काफ़ी कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। विलंब भी देता है शनि क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पर डालते हैं वो कहते हैं भाई ठीक ढंग से काम करो, हम आपका काम पूर्ण नहीं होने देंगे जब तक आप इसको अच्छा नहीं कर लेंगे। तो शनि एक अच्छाई भी है, तो जब तक आप उसको धीरे धीरे करके बिल्कुल मंच के एकदम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तब तक शनि अपने पूर्ण फलों को नहीं दे पाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेहनत करो, मेरे रिजल्ट ले लो। इसके साथ साथ शनि जो है अनुशासन प्रिय होते हैं, यानी कि सृष्टि शनि की जो दृष्टि है वह अनुशासन मांगती है, यानी कि आपको नियम संयम में रहना है, समय का प्रबंधन सीखना है, कड़ी मेहनत करनी है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्थिरता, शनि की जो दृष्टि है वह स्थिरता देती है, दीर्घकालिक सोच, यानी कि आप गहरा और लंबा सोचते हैं क्योंकि शनि देखिए वाहे ग्रह में आता है। अगर हम अपने नवग्रह की अगर सौरमंडल में स्थिति देखें तो शनि सबसे लास्ट में है, यानी कि शनि जो है दीर्घ काल को लेते हैं और इनका जो रोटेशन भी होता है तो एक राशि में वह ढाई वर्ष रहते हैं और पूरा भ्रमण करने में यानी कि सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में इनको 30 वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या है ये दीर्घकालिक परिणाम भी देते हैं, जब इनकी दशा या अंतर्दशा आती है तो एक अच्छा सुनहरा सुंदर आपको इसके फल मिलते हैं। लेकिन इसमें कर्म की प्रधानता बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने कर्म कैसा किया। तो शनि की दृष्टियाँ वैदिक ज्योतिष में अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके भाव को देखना पड़ेगा, उसके राशियों को देखना पड़ेगा और उसके अनुसार यहाँ पर अनुशासन लाइए, नियम लाइए, संयम लाइए, लगातार काम करते रहना चाहिए, यानी कि जिस विषय में आप काम कर रहे हैं उसमें लगातार काम करते रहिए तो आपको शनि के अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों ये मेरा भाव था शनि की दृष्टियों को लेकर के, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ बनी रहती हैं तो उन भ्रांतियों को दूर करने का मेरा यह प्रयास था। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।